नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बातें भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए। न जाने ये सलाह उन्होंने क्यों दी है, और उन्होंने एक तंज भी कसा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए कि जो लोग 2014 में आए हैं वो 2024 के बाद रह पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन रहता है कौन जाता है, या जिसने आज शपथ ली है वो 6 महीने तक रहता है या नहीं, या फिर जो 2014 में आए हैं वो 2024 तक रहते हैं या नहीं। खैर, बीजेपी और जेडीयू के बीच लंबे समय से खींचतान चली आ रही थी, और जिसका परिणाम ये हुआ कि अब उनके रास्ते अलग अलग हो गए हैं। दोनों पार्टियों की गठबंधन के दौरान जातिगत जनगणना समेत कई मुद्दों पर असहमति नजर आई। इस दौरान दोनों पार्टियों के नेताओं की बयानबाजी भी एक दूसरे के खिलाफ रही। इस गठबंधन के टूटने के बाद अब नजरें यूपी पर है, क्योंकि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है इसका इम्पैक्ट यूपी की राजनीति पर भी जरूर होगा। दरअसल यूपी में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी गैर यादव ओबीसी की राजनीति कर रही है, जबकि नीतीश कुमार ओबीसी की कुर्मी जाति से आते हैं जो यूपी में इस समय बीजेपी के साथ है। अब बदली हुई राजनीति परिस्थितियों में अगर नीतीश कुमार को सपा आरजेडी मिला करके आगे बढ़ाते हैं, और जिस तरीके से उनको पीएम मटेरियल बनाने की कोशिश की जा रही है, उस सिचुएशन में खास करके पूर्वांचल की कई सीटों पर कुर्मी वोटों को लेकर के जबरदस्त घमासान हो सकता है। यूपी का ये इलाका बिहार से सटा हुआ है, ऐसे में बीजेपी को यहाँ अब नई रणनीति पे काम करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और अनुप्रिया पटेल अभी एनडीए के साथ हैं, दोनों कुर्मी जाति से ही ताल्लुक रखते हैं, कुर्मी जाति से ही आते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी के पास एक बड़ा हिस्सा है। यूपी में बीजेपी के पास 67 और बिहार में 17 सांसद हैं। ऐसे में देखा जाए तो दोनों राज्यों में कुल मिलाकर के 120 में से 83 सांसद अकेले बीजेपी के हैं। अगर जेडीयू, आरजेडी, सपा और कांग्रेस मिलकर के इन दोनों राज्यों में ओबीसी की राजनीति शुरू कर दे, जिसमें जातीय जनगणना मुख्य हथियार साबित हो सकता है, तब ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होगा। इससे हिंदुत्व की राजनीति को भी एक बड़ी चुनौती मिल सकती है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार ने सीएम बनने के बाद पहली रैली वाराणसी से की थी, और वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब बात करते हैं हिंदी पट्टी की। तो यहाँ सबसे खास बात यह है कि यहाँ विपक्ष के पास अभी तक कोई बड़ा नेता, ओबीसी नेता नहीं है जो पीएम के रूप में पीएम मोदी को चुनौती दे सके। अगर समाजवादी पार्टी के जरिए नीतीश कुमार यूपी में पैठ बढ़ाते हैं तो ये प्रयोग भी बीजेपी के लिहाज से सही साबित नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को ओबीसी वोटरों के पाला बदलने का डर बन जाएगा। नीतीश कुमार को लेकर के अखिलेश यादव का जो बयान आया है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने पर यह कहा, बीजेपी ने पिछड़ी जातियों और दलितों के वोट ले तो लिए लेकिन उनका हक नहीं दिया, आपका रोजगार भी छीना जा रहा है और संविधान पर हमला भी हो रहा है, ये लोग अगर ज़्यादा ताकतवर हो गए तो हो सकता है आपसे वोट का अधिकार छीन जाए। ये बात मजाक में न ले। अखिलेश यादव का ये बयान भी ओबीसी और पिछड़ी जाति के वोटों पर ही ध्यान खींच रहा है। बीते कई चुनाव में हार
महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने के बाद यहाँ की बिहार का घटनाक्रम विपक्ष के लिए एक संजीवनी लेके आया है, तो वहीं यूपी में अखिलेश को एक नई एनर्जी मिल रही है। बीते कुछ दिनों में अखिलेश यादव भी बयानों और अपने रणनीति को लेकर के काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने यहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि पर फोकस किया है। अब नीतीश कुमार के विपक्षी खेमे में आने से उनके पास कुर्मी वोटों को पालने में करने के लिए एक नया चेहरा मिल सकता है। अगर यूपी में कुर्मियों की वोटों की बात करूं तो राज्य में 6% कुर्मी वोट है। राज्य में कुर्मियों का वोट 8 से 10 सीटों पे काफ़ी निर्णायक भूमिका में है, जबकि करीब 50 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, सीएम बनते ही नीतीश कुमार ने यह तंज कसा है और विपक्षियों को जो एक सीख दी है उसके क्या परिणाम होंगे, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। तो आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे के बता सकते हैं। एक और बात, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, मेरा हौसला बढ़ता है कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।